हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। मैं आ गया हूँ अपने फ्रेंड के यहाँ, और ये उत्तम है, वो आयुष है, और अभी हम लोग थोड़ा बातचीत कर रहे हैं और फिर चलते हैं शाम को। और मुझे 4:30 बज गया है, आज शाम की रात की बस भी है 10:30 की। फ्रेंड्स, अपना सारे काम हो गए, फ्रेंड्स से मिल लिया, अभी सबसे तो नहीं मिल पाए हैं, बट आयुष से मिल लिया हूँ, क्योंकि आयुष को फिर बैंगलोर जाना है। और अभी चलते हैं, प्रभात भी आ रहा है, तो बाहर चलेंगे, डिनर विनर करेंगे, फिर मैं निकल जाऊंगा दिल्ली के लिए। और ये एक छोटा सा ब्लॉग था लखनऊ का, तो अभी आपको और दिखाते हैं कहाँ पे अच्छी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप डिनर कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए वीडियो में, चलते हैं आशियाना में, कहीं आपको दिखाते हैं एक बढ़िया जगह जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, मतलब डिनर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हम लोग यहाँ पे आए थे हॉस्टल, यहाँ पे डिनर के लिए आए थे, और अब चलते हैं यहाँ से। अब बस पकड़नी है, टाइम हो गया, यहाँ से 20 मिनट्स बाकी हैं, तो हम निकलते हैं आशियाना से। तो ये फ्रेंड्स आशियाना का पेट्रोल पंप है, इसी के बगल में हॉट सेल है, यहीं पे हम लोग आए थे डिनर के लिए। अब चलते हैं घर, मतलब सॉरी बस स्टैंड, बस पकड़। तो फ्रेंड्स, ये है अपनी बस फौजी ट्रेवल्स की, जिसके लिए मैंने पे किया है ऑलमोस्ट 1780 1780 रुपये, और 10:30 पे इसका डिपार्चर है, 10:21 हो गया है। तो अभी 8-10 मिनट जो बचे हैं, वो अपने फ्रेंड से मिल के फिर चलेंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैंने गाड़ी में बोर्ड कर दिया, और 10:43 हुआ है, 10:30 का टाइम था एक्चुअली, बट थोड़ा सा टाइम लेट हुआ है, मतलब अभी यहीं पे नहर पे खड़े हैं, आप देख सकते हैं फौजी ट्रेवल के ऑफिस के पास। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ पे, और बैग मैंने यहाँ रख लिया शूज़ के लिए वहाँ पे, और ये आप देख सकते हैं चार्जिंग पॉइंट है और मोबाइल होल्डर, तो काफ़ी सही है। अभी देखते हैं कब बस चलती है, भैया ने बोल दिया था बोर्ड करने को, तो मैं अंदर आ गया और काफ़ी ठीक है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो कंटिन्यूड है अपनी लखनऊ वाली। तो फ्रेंड्स लोग थे, सब चले गए, आप फोटो में देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलकर, और होप करते हैं दोबारा हम लोग सब जल्दी ही मिलेंगे, और इसी के साथ चलते हैं हम लोग। सो एग्जैक्ट 10:45 पर अपनी गाड़ी चली है, और देख सकते हैं अभी हम नहर पे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बस का हमारा इंटीरियर व्यू, और स्लीपर हैं 2x1, और कुछ सीट्स भी आप देख सकते हैं राइट साइड में। तो मेरा ये स्लीपर है, लोअर स्लीपर, और यहाँ से केबिन का व्यू आप देख सकते हैं, एंड ऊपर भी लाइट्स लगी हैं, मतलब वो पूरा मेंशन है कहाँ पे क्या है। एंड अभी हम लोग फ्रेंड्स यू टर्न ले रहे हैं, ये देखिए आलमबाग की तरफ, श्रृंगार नगर मेट्रो स्टेशन है, और यहाँ से अभी हम लोग यू टर्न लेंगे और चलेंगे पारा रोड की तरफ, जो कि हमें कनेक्ट करेगा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। ये अपनी UPSRTC की जो नॉर्मल बस है वो जा रही है कानपुर की तरफ, ये कानपुर रोड है स्ट्रेट यहाँ से, और हम लोगों ने यू टर्न ले लिया, वापस चलते हैं पारा की साइड। एंड यहाँ पे जाम लगता है नॉर्मली काफ़ी, बट अभी इतना ज़्यादा नहीं है तो ठीक है। ये डेडिकेटेड इन्होंने लेफ्ट लेन बना रखी है, बट फिर भी कुछ लोग आगे से भी ले लेते हैं लेफ्ट, और अब यहाँ से चलते हैं फ्रेंड्स, जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, देख सकते हैं पारा, ये अंदर रास्ता गया है पारा, कृष्णा नगर रोड जो है, कृष्णा नगर पारा रोड है, अभी हमने क्रॉस कर लिया है ये वाला पॉइंट, और अभी टाइम हुआ है एग्जैक्टली 11:05। एंड वो मैंने शूज़ अपने रख लिए ऊपर अंदर ही, और बर्थ काफ़ी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फैसिलिटीज़ भी काफ़ी ठीक है, आगे जैसा भी एक्सपीरियंस आता है आपके साथ शेयर करूँगा।
चलते हैं नोएडा, गुड बाय, जय श्री राम। सवा 5 हम लोग जेवर पहुंचे हैं, जेवर टोल प्लाजा। 6 बजे और हम नोएडा ग्रेटर नोएडा क्रॉस कर चुके हैं, नोएडा में एंटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स हम लोग 6:15 बजे पहुंच गए हैं, 6:12 पे महामाया फ्लाई ओवर है और इस साइड से माए पे इधर ग्रेटर नोएडा परी चौक की तरफ से, और अब यहां से चलेंगे अपना आगे से कैब करके। तो ये अपना महामाया फ्लाई ओवर है और ये बस का ड्रॉपिंग पॉइंट यहां पे। तो अभी फिलहाल जैसे ही भैया ने ड्रॉप किया यहां पे, अब मैं कैब बुक करता हूं फिर आगे चलते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसे ही ब्लॉग्स के लिए। सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड बाय, जय श्री राम। तो फ्रेंड्स मैंने फाइनली एक्चुअली कैब बुक कर रहा था, बट मेरे सोसाइटी के बाहर एक भैया रहते हैं ऑटो वाले, तो वो आ गए थे, तो मतलब वो मुझे पहचानते थे, तो अभी इन्हीं के साथ मैं आ गया हूँ। ये अपनी रोड है नोएडा एक्सप्रेस वे और हम लोग महामाया फ्लाई ओवर से अब चल रहे हैं परथला की तरफ। तो ये देख सकते हैं सुपरनोवा वाली बिल्डिंग थी वो। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स ये अपनी नोएडा दिल्ली मेट्रो वाली लाइन है जो कि नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ जाती है, एंड ये आप देख सकते हैं सिटी सेंटर मॉल। और अभी मैं वही ऑटो की राइड कर रहा हूँ, मॉर्निंग में एकदम रोड्स खाली रहती हैं। तो ये अपना वेव सिटी सेंटर स्टेशन है मेट्रो का, और इसके बाद अपना IS नोएडा का जो डिपो है बस स्टैंड। तो ये देख सकते हैं इसको क्रॉस करेंगे, लेफ्ट जाएंगे तो सेक्टर 18 अट्टा मार्केट की तरफ जा सकते हैं। इसके जस्ट इसी पॉइंट पे यहाँ पे रोडवेज का बस स्टैंड है, आप देख सकते हैं बसेस जा भी रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं। रात में ये बंद हो जाता है, और इस टाइम पे देख सकते हैं बगल में ही इसके CNG पंप है जो कि सिर्फ बसेस के लिए है, जिसमें सिर्फ रोडवेज UPSRTC की बसेस रहती हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेक्टर 52 का मेट्रो स्टेशन है, और नीचे से हम लोग अंडर पास से निकल जाएंगे स्ट्रेट यहाँ से परथला के लिए। और ये देखिए यहाँ पे आई लव नोएडा लिखा रहता है, काफ़ी बढ़िया लगता है अंडर पास पे। और यहाँ से लेफ्ट साइड में जा रही है मेट्रो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के लिए। तो फाइनली मैं पहुँच गया अपनी सोसाइटी पे, वीडियो यहीं तक का था, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।